सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आपको ठंड क्यों लगती है, चिल्स, बुखार के साथ जो चिल्स होते हैं, फीवर विद चिल्स। तो ठंड लग के बुखार होना या बुखार फीलिंग कोल्ड जिसको हम कहते हैं, जिसको हम चिल्स कहते हैं, ये क्यों होता है, कैसे होता है, काय को होता है, काय झाला क्यों। सो आइए बात करते हैं फीवर विद चिल्स और चिल्स की। फीवर के बारे में तो आप जानते हैं, बुखार क्यों होता है, आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरिया वायरसेस को मारने के लिए। बॉडी टेम्परेचर टेम्पररी हाई होता है और उसमें ज्यादातर लोग बैक्टीरिया और वायरसेस जो है मर जाते हैं। मगर ये चिल का है, शिवरिंग क्यों होती है भैया, ये शरीर ठंडा फीलिंग कोल्ड कोल्ड का है होता है। पहले तो चिल्स का मतलब ही होता है फीलिंग कोल्ड, विच कैन बी देयर आफ्टर यू आर इन अ कोल्ड एनवायरमेंट। आप ठंडी में बाहर जाओगे तो आपको ठंडी लगेगी, वो होगा, दैट इज चिल्स, राइट। इसको आप ये खो, ठंडा महसूस होना और शिवरिंग या थोड़ा सफेद सफेद दिखना, ठंड, इस सबको हम चिल्स कह सकते हैं। ये हो गए चिल्स। शिवरिंग और चिल्स जो है बुखार में ही हो जरूरी नहीं है, बुखार के बाद ही हो जरूरी नहीं है। चिल्स जो है ये किसी इन्फेक्शन के स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, इट कैन बी अ स्टार्टिंग साइन ऑफ एन इन्फेक्शन, राइट। और मगर सबसे कॉमनली जो चिल्स होते हैं वो बुखार के साथ होते हैं, मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद फीवर। एंड पहली बात तो इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है चिल्स होने का, वो क्या है। चिल्स आर बेसिकली बिकॉज ऑफ रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जी हाँ, आपकी बॉडी जो है रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है वहां पे, बिल्कुल आप बन गए हैं फ्लैश। जो होता है ना फ्लैश, फ्लैश आपको पता होगा क्या हो रहा है, फ्लैश, उससे क्या होता है, दिस इज योर बॉडी का तरीका, एक वे है टू प्रोड्यूस हीट। आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ योर मसल्स। जब भी आपको ठंड लग रही है या बुखार उतर रहा है, जब भी आपको ठंड लग रही है आपकी बॉडी चिल्स प्रोड्यूस करेगी। अगर आपको पहले से चिल्स आ रहे हैं तो इट माइट ऑल्सो बी कि आपको बुखार आने वाला है या आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ दैट कि चिल्स है। तो चिल्स एक इंपॉर्टेंट सिम्टम हुआ, कई सारे बीमारी में चिल्स एकदम पक्की तौर पे आता है, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया में चिल्स और बुखार आता ही आता है, बच्चों में बहुत कॉमनली आता है चिल्स, और जितना बड़ों में जितना टेम्परेचर हाई जाएगा उतना चिल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई टेम्परेचर में चिल्स होता है। माइनर इलनेसेस जैसे, कोई बड़ी, कोई जरूरी नहीं है कोई खतरनाक बीमारी में ही चिल्स होगा, माइनर माइनर बीमारियों में भी चिल्स पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब माइनर बीमारी भी हाई फीवर प्रोड्यूस कर सकती है, उसमें भी चिल्स हो सकता है, खासकर बच्चों में, ठीक है। और बच्चों में क्या होता है, नॉर्मली एडल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ दैट अगेन चिल्स होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि 6 महीने के नीचे अगर कोई बच्चा है, 6 महीने के नीचे, तो आप उस केस में उनका चिल्स पता नहीं चलेंगे आपको, उसके चिल्स आपको गूज बम्प के जैसे दिखे, मान लो सिर्फ उनके हाथों के या इधर उधर के जो गूज बम्स आते हैं, जैसे आपके बाल खड़े हो जाते हैं, वैसे उनके केस में थोड़ा सा दिखेगा कि हाँ ये कुछ तो हो रहा है दैट, या फिर उनके केस में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दिख सकता है, जैसे फियर का इमोशंस विथ सम गूज बम्स ऐसे, या हेयर ऑन द बॉडी जो आपके खड़े हो जाते हैं, दैट इज द थे। तो बच्चों के केस में आपको थोड़ा नजर रखना पड़ता है गूज बम्प के लिए। अब ऐसा काहे होता है चिल्स का, ऑब्वियसली एक वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से चिल्स हो सकता है, एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर के वजह से चिल्स हो सकता है, बुखार में चिल्स होता है। फीवर अगर है तो चिल्स में करेंगे क्या, फीवर है चिल्स हैं, सो बॉडी का ये नेचुरल रिस्पॉन्स है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये अगर फीवर आपका माइल्ड है, यानी 102 से कम है, 101 102 से कम है, उसको माइल्ड फीवर बोलेंगे, तो और उसके साथ कोई और सिम्टम नहीं है, कोई और दिक्कत नहीं है, तो चिल्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चिल्स में कोई नुकसान नहीं है, चिल्स में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चिल्स में कोई नुकसान नहीं है, नथिंग टू वरी फ्रॉम द चिल साइड। तो अगर आपको बुखार के साथ चिल्स हैं
लेकिन आपका क्योंकि बुखार और चिल्स ये आपके बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, नेचुरल टेंडेंसी है, तो इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। हाँ, इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल वायरल्स, उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन एक माइल्ड लेवल पे बुखार है, मतलब 102 101 के नीचे है, यानी 38.8 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, देन इट इज कॉल्ड माइल्ड विथ नो साइड इफेक्ट्स। उसके चिल्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो आपको उसके लिए कोई और स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे उसको ट्रीट कर सकते हैं बाय ड्रिंकिंग एक्स्ट्रा वाटर और बहुत सारा रेस्ट। बुखार के दो इलाज हैं, आराम और पानी, आराम और पानी, ये दो इलाज है बुखार के, याद रखिएगा, सबसे जरूरी। उसके बाद बुखार को मैनेज करना होता है, बुखार वाले वीडियो देखिएगा, हाउ टू मैनेज फीवर, हाउ टू कंट्रोल फीवर, हाउ टू रिड्यूस फीवर, डोंट किल द फीवर, राइट, फीवर इज योर फ्रेंड। सो देखो क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, आपकी बॉडी में जो पानी आप पीते हो वो यूज होता है फीवर को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज योर बॉडी इवेपोरेट्स एंड इवेपोरेट्स, जो पसीना आता है वो इवेपोरेट होता है, बॉडी कूल करती है स्किन को, बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस करती है। वैसे ही जब आप मान लो आप स्पॉन्जिंग करते हैं ल्यूक वार्म वाटर से या ठंडी पट्टी रखते हैं सर पे, तब भी यही काम होता है कि वो धीरे धीरे आपके बॉडी का टेम्परेचर कम करता है। और उसके वजह से भी अगर आपने ठंडी पट्टी करी, उसके वजह से छोटे बच्चों को चिल्स आ सकते हैं, और अगर आप किसी को ठंडे 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 पानी से स्पॉन्जिंग करेंगे तो उससे चिल्स आ सकते हैं। तो ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग ना करें, स्पॉन्जिंग करें ल्यूक वार्म वाटर से, जो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, सो देखिएगा ढूंढ के, राइट, दैट इज देयर, विदाउट मेडिसिन कैसे आप फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं यूट्यूब पे। उसके बाद मेडिसिन्स इस्तेमाल की जा सकती हैं, अगर दिक्कत ज़्यादा हो रही है, बुखार और ये चिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर पैरासिटामोल, एसिटामिनोफेन, ये हेल्पफुल है चिल्स और फीवर दोनों को फाइट करने में। याद रखिए, बड़े हो या बच्चे हो, कंबल में लपेटना नहीं है किसी भी तरीके से, फैन या एयर कंडीशन के डायरेक्ट आगे नहीं रख देना है, ये मेजर से आपके चिल्स जो हैं और ज़्यादा खराब होंगे, सिर्फ और कुछ नहीं होगा। रूम को एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए बॉडी का टेम्परेचर, बच्चों का टेम्परेचर कंफर्टेबल होना चाहिए, और बच्चों को जितना हो सके लिक्विड्स देते रहना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का, जो अगर आप पेन किलर या कुछ भी देते हैं, तो नॉन एस्पिरिन बेस्ड होना चाहिए, जैसे एसिटामिनोफिन या ब्रूफिन, बच्चों के केस में ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डू नॉट गिव एस्पिरिन, एस्पिरिन से दिक्कत हो सकती है बच्चों में भी या बड़ों में भी, एस्पिरिन से रिस्क होते हैं रेज सिंड्रोम के, ब्लीडिंग के, सब ब्लड थिनर, ठीक है, सो दैट इज देयर। उसके अलावा आपने बच्चे को लाइट क्लोथिंग में रखना है, लिक्विड्स देना है, और इसके अलावा किसी प्रकार से ठंडा ठंडा आइस वाटर या रबिंग अल्कोहल उसके ऊपर नहीं लगाना है। उसके अलावा बच्चे को मेडिसिन जो है, स्लीपिंग मेडिसिन कभी नहीं देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गले में स्टिफनेस आ रही है, बच्चे को भी ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, गर्दन में स्टिफनेस, गले में स्टिफनेस आ रही है, बहुत गंदा कफ आ रहा है, सांस में दिक्कत आ रही है, पेशाब में दिक्कत आ रही है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन में जलन हो रही है, पेट में दर्द, बर्निंग हो रही है, तो आप डॉक्टर से मिलें। चिल्स के साथ ये सारे सिम्टम हैं तो, या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है या बेहोशी सी आ रही है, तो भी वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, मेनिंजाइटिस जैसी दिक्कतें हो सकती है। बच्चा अगर 3 महीने से छोटा है तो 101 डिग्री तक, 101 के ऊपर जाता है तो डॉक्टर से बात करें, 3 महीने से ऊपर है तो, 1 साल तक है तो, अगर फीवर 24 घंटे तक नहीं जा रहा तब डॉक्टर से बात करें, और बाकी सबके लिए 103 या 103 डिग्री को आप मान सकते हैं कि आप डॉक्टर से बात करना ही पड़ेगा, ऐसे लेवल का जो आपका वो है। अगर 3 दिन तक बुखार नहीं जा रहा है या 5 दिन से ज़्यादा रह रहा है तो टेस्टिंग कंपलसरी हो जाएगी, टेस्टिंग करना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर्स आपसे बात करके आपका इलाज बताएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। इसमें सीबीसी, ब्लड कल्चर, स्पूटम, यूरिन, एक्सरे, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टेस्ट लगता है उसके हिसाब से डॉक्टर ट्रीट करेंगे। बट कायदे से फीवर विथ चिल से डरने की बात नहीं है, एक्सपोजर से भी होता है, कभी कभी मेडिसिन का रिएक्शन हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी के वजह से हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम के वजह से हो सकता है, ऐसी कई सारी चीज़ों के वजह से दिक्कत आ सकती है। हाइपोथायराइड
थायराइड कम हो, हाइपोथायराइड हो तो भी चिल्स आ सकते हैं, शुगर कम हो तो भी चिल्स आ सकते हैं, मैल न्यूट्रिशन में भी आ सकते हैं, इमोशनल रिएक्शन में भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं चिल्स के। फीवर विथ चिल्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन। ध्यान रखिए, और कोई सवाल है तो पूछिए। डॉक्टर परमजीत हियर, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।